हेलो एवरीवन, दिस इज सी ईशा अग्रवाल, योर फ्रेंड मेंटर एंड गाइड फॉर द सब्जेक्ट ऑडिट, एंड आई एम हियर टू मेक द सब्जेक्ट इजी फॉर यू विद फन थिंग्स एंड इन लेस टाइमिंग। तो आज का वीडियो होने वाला है फॉर द सीएमए इंटर एस्पिरेंट्स, एंड आज हम करने वाले ऑडिट एमसीक्यू मैराथन। जी हाँ, आपके इंस्टीट्यूट ने आज तक जो भी एमसीक्यूज दिए हैं रिलेटेड टू ऑडिट, बीएड एंड पीटीपी, आरटीपी और पास्ट पेपर्स, वो सारे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद ये तो गारंटीड है कि आपको ऑडिट के एमसीक्यूज में फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, बट देर इज अनदर पार्ट टू पेपर 10-2, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो उसके एमसीक्यू के वीडियोज आर ऑलरेडी अपन द चैनल, एंड अगर आप वो और ये वीडियो साथ में देख लेते हैं तो 30 on 30 इन पेपर 10 इज गारंटीड। एंड जब 30 on 30 एमसीक्यूज में स्कोर कर लोगे तो एग्जेम्पशन तो स्कोर करना आसान हो ही जाएगा ना। एंड हम ट्राई करेंगे कि जो 150-160 एमसीक्यूज हैं इनको कम से कम टाइम में करें, सो दैट यू कैन सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स विथ मिनिमम टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द अल्टीमेट एमसीक्यू मैराथन फॉर ऑडिट। सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन। जब कंपनी के आगे कुछ भी ना लिखा हो तो उसको हम अज्यूम करते हैं एज नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बीओडी को कितने दिन में अपॉइंट करना पड़ता है फर्स्ट ऑर्डर को? 30 डेज में। 30 डेज कहाँ से? 30 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से अपॉइंट करना पड़ता है बीओडी को पहला ऑर्डर। अगर वो नहीं अपॉइंट कर पाते तो मेंबर्स को चांस मिलता है 90 डेज का। ऑथराइजेशन फॉर गवर्नमेंट ऑडिट, मैंने आपको मैराथन में भी बोला, मैंने आपको क्लास में भी बोला कि अगर गवर्नमेंट ऑडिट का कोई क्वेश्चन है एंड ऑप्शन में सीएनएजी है तो आग बंद करके सीएनएजी टिक कर दो, क्योंकि मोस्ट आंसर सीएनएजी ही होगा। तो यहाँ पे भी आंसर इज सीएनएजी। मैक्सिमम टर्म ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर, एक इंडिविजुअल ऑडिटर एक कंपनी में कितने दिन सर्वाइव कर सकता है? तो ही कैन सर्वाइव और शी कैन सर्वाइव अप टू 1 term of 5 years, एंड अगर यही होता ऑडिट फर्म तो आंसर हो जाता 2 term of 5 years। इन केस ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब यहाँ बात फिर हो रही है नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, एनी कैजुअल वेकेंसी इन द पोस्ट ऑफ द ऑडिटर इज टू बी फिल्ड बाई बीओडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और शेयर होल्डर। हमेशा याद रखना कैजुअल वेकेंसी में शेयर होल्डर्स ले लेते हैं एक बैक सीट, एंड जो हायर अथॉरिटी होती है जैसे बीओडी एंड सीएनएजी, इनका रोल होता है। अब देखो अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी तब पहले सीएनएजी आएगा एंड फिर बीओडी, पर अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगी तो सीएनएजी का सवाल ही नहीं उठता। तो वहां पे अल्टीमेट अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है कैजुअल वेकेंसी केस में? बीओडी। सो द आंसर विल बी ए, बीओडी। एन ऑडिट कमिटी शुड हैव अ मिनिमम ऑफ डैश नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3 डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए। कि कल को कुछ डिस्कशन हुआ तो हाउ डू वी डिसाइड कि मेजोरिटी क्या चाहता है? अगर आप 2 रखोगे या 4 रखोगे, इक्विवेलेंट रखोगे, तो हो सकता है टाई टाइप का हो जाए, बट अगर आप ऑड नंबर्स रखोगे तो दैट विल इंश्योर अ चांस कि आप एक प्रॉपर डिसीजन पे आ पाओ। अनपेड डिविडेंड स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू IEPF आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग अनपेड। तो मैं बता देती हूँ, ऑडिट में ईयर्स में फेवरेट नंबर है 7। यूजुअली हर चीज 7 साल बाद होती है, हर चीज 7 साल के लिए रखनी होती है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितने साल के लिए रखना है? 7 साल। अनपेड डिविडेंड IEPF में कितने दिन बाद जाएगा? 7 years। सो 7 जन्म से ऑडिट को बहुत प्यार है, तो यहाँ पे भी आंसर होगा 7। एंड हमेशा याद रखना ऑडिट में आपका लकी नंबर है 7 इन केस ऑफ इयर्स, इन केस ऑफ मंथ्स, इन केस ऑफ डेज एंड इन केस ऑफ टाइम लाइन। यहाँ पे आंसर होगा सी, दैट इज 7। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी इज डन बाय, अगेन गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट है, आग बंद करके क्या आंसर देखना है? सी एंड जी। शेयर होल्डर, सॉरी स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग, ईजीएम और बोर्ड मीटिंग। देखो बोर्ड मीटिंग में तो बोर्ड मेंबर्स आते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग बोल के कोई मीटिंग ही नहीं होती, ईजीएम कोई अचानक से इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए किया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी रिमूव बाय शेयर होल्डर्स, ऑडिट कमिटी, बीओडी एंड एन ऑफ द अबव। तो अगर आपको याद हो रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, तो उसमें सबसे पहले लिया जाता है बोर्ड का अप्रूवल, फिर ये बात बताई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड उसके बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाता है। तो सबसे पहले किसका अप्रूवल चाहिए? बोर्ड का। तो ये प्रोसेस इनिशिएट कौन करता है रिमूवल का? बोर्ड का। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन रिमूव करता है? बोर्ड। तो आंसर विल बी बीओडी।
An individual alter who has completed his term shall not be eligible for reappointment as an alter within in the same company for. देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. अपने जब रोटेशन का क्लॉज पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल एक टर्म ऑफ 5 years से ज्यादा एंड कोई भी फर्म दो टर्म ऑफ 5 years से ज्यादा कुछ सिलेक्टिव कंपनीज में अपॉइंट नहीं हो सकता. इसके बाद जब ये टर्म कंप्लीट हो जाता है तो उनका आता है कूलिंग पीरियड. क्या आता है? कूलिंग पीरियड. एंड ये कूलिंग पीरियड कब तक आएगा? जब तक नेक्स्ट ऑर्डर रहेगा. तुम जाओगे तो कोई और भी तो अपॉइंट होगा. एंड कोई और कितने दिन के लिए अपॉइंट होगा? 5 साल. तो तुम्हारा कूलिंग पीरियड भी क्या होगा? 5 साल. बहुत बच्चे इसमें 3 इयर्स 4 इयर्स 2 इयर्स कुछ भी सोचते हैं, ऐसा नहीं करना है. अरे तुम्हारा कूलिंग पीरियड कितने दिन तक रहेगा? जब तक नेक्स्ट ऑर्डर रहेगा. एंड नेक्स्ट ऑर्डर कितने दिन तक रहेगा? एटलीस्ट मिनिमम 5 इयर्स तक तो रहेगा ही ना, वो ऑर्डर फर्म हो या इंडिविजुअल. 5 साल तक तो रहेगा ही. तो तुम्हारा कूलिंग पीरियड क्या हुआ? तुम कब तक उस कंपनी में दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते? 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स तक. सो एन इंडिविजुअल ऑर्डर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑर्डर इन द सेम कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपके बदले कोई और ऑडिटर उस कंपनी का ऑडिट कर रहा होगा. सेक्शन 146 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद. अरे मैम मुझे तो सेक्शन याद ही नहीं रहते. तो आप हमारे नवीन क्लासेस के पेज पे जाएंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखेंगे, एक सेक्शन रील्स है. उसमें मैंने ये पूरा जो कंपनीज प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट का हमारा जो सेक्शन है जो भी हमारे सिलेबस में, उसको मैंने पूरा रिवाइज किया है वाया पोयम. आप वो पढ़ोगे वो याद करोगे, सारे सेक्शन याद रहेंगे. बट अभी बात करते हैं सेक्शन 146 की. तो सेक्शन 146 किससे डील करता है आइए देखते हैं. ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, नहीं इससे तो सेक्शन 144 डील करता है. ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, नहीं इससे तो सेक्शन 145 डील करता है. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, नहीं इससे तो सेक्शन 147 डील करता है. तो सेक्शन 146 किससे डील करता है? ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग्स. येट अगेन बता रही हूँ सेक्शन याद नहीं रहते तो आप सेक्शन रील्स जाके देखोगे. ज्यादा नहीं है, 1 मिनट का शॉर्ट्स है. और अगर अच्छा लगे तो उसको ऑडियो के तौर पे सेव करके रख लो या वीडियो के तौर पे सेव करके रख लो. दिन में 2 बार सुनो, आराम से सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे. एंड मैंने वही सेक्शंस उसमें सुनाया है जो आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट है. तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ एक्सरसाइज पढ़ के जाओगे, जो भी रेलिवेंट सेक्शन है वही पढ़ के जा रहे हैं. ठीक है. रेम्यूनरेशन फॉर ऑडिटर्स इज कवर्ड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट. सेक्शन 142, करेक्ट, सेक्शन 142 में ही कवर होता है रेम्यूनरेशन. सेक्शन 148 में क्या कवर होता है? कॉस्ट ऑडिट. सेक्शन 139 में क्या कवर होता है? अपॉइंटमेंट. सेक्शन 143 में क्या कवर होते हैं? सेक्शन 143 में कवर होते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज. एनी फ्रॉड टू इन्वॉल्व एन अमाउंट ऑफ डैश इज टू बी रिपोर्टेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. कितने ज्यादा अमाउंट का फ्रॉड सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है ऑडिटर को? तो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट का फ्रॉड ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. वो केवीसी में बोलते हैं 1 करोड़, भाई याद रखना है. सेंट्रल गवर्नमेंट को कब हम रिपोर्ट करेंगे फ्रॉड? जब अमाउंट क्रॉस कर जाएगा 1 करोड़. 1 करोड़ या उससे ज्यादा जैसे ही फ्रॉड का अमाउंट क्रॉस करता है ऑडिटर को ये बात बतानी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज अंडर सेक्शन डैश 139, नहीं ये तो अपॉइंटमेंट से डील करता है. 142 ऊपर अभी पड़ गया है, ये तो सैलरी या रेम्यूनरेशन से डील करता है. 145, नहीं ये तो ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट से डील करता है. तो कहाँ लिखा गया है कि ऑडिटर को क्या क्या सर्विसेज नहीं रेंडर करनी चाहिए? सेक्शन 144 में. आप देख रहे हो सेक्शन से बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा दोबारा बोल रही हूँ. सेक्शन रील सुनो, याद करो, एंड जो भी रेलेवेंट सेक्शन है वो सारे याद करके जाओ. हो सकता है कि आपके एग्जाम में MCQ आए जो कि सेक्शन से रिलेटेड है. सो आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस इवन 1 मार्क. अच्छे से सेक्शन रील सुन के जाओ, आसानी से एकदम याद हो जाएगा. पूरा पोयम फॉर्म में बताया गया उसको याद करके जाओ एंड सारे सेक्शन रिलेटेड MCQs आप देखोगे, फिर आराम से आप सॉल्व कर पा रहे हो.
Any casual vacancy in a government company is filled by C and AG within dash days. Casual vacancy का एक ही number of day होता है 30 days. BOD fill करे तो भी 30 days में, CNAG fill करे तो भी 30 days में. तो यहाँ पे आपको different different number of days याद नहीं करने, casual vacancy में याद करो सिर्फ 30 days ही होता. The company shall inform the auditor concerned of his or its appointment and also file a notice of such appointment with the registrar within 15 days of meeting in which the auditor is appointed in form EDT 1. अरे अभी तो ऑडिटर का नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है कंपनी में, तो कौन सा फॉर्म यूज होगा? ऑब्वियसली पहला फॉर्म, दैट इज EDT 1. A cost auditor submits his report to, cost auditor अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? तो देखो cost audit में शेयर होल्डर्स का रोल नहीं आता, क्योंकि cost audit कंपनी की इंटरनल मामलों से डील करता है, एक्सटर्नल से नहीं. तो शेयर होल्डर्स तो ऐसे ही आउट. सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिटर डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं देता, बीओडी जांच पड़ताल के बाद देता है, तो कॉस्ट ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं देता. तो कॉस्ट ऑडिटर आखिर अपना रिपोर्ट किसको देता है? बीओडी को, जो उसे अपॉइंट करता है उसको ही वो रिपोर्ट देता है. एंड द कॉस्ट ऑडिटर सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू बीओडी. ठीक है. फॉर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स बाय द कंपनी इज CRA 1. कॉस्ट रिकॉर्ड से डील करता है फॉर्म CRA 1. CRA 2 किससे डील करता है? तो अगर बीओडी को कुछ भी बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलेटेड टू ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, मतलब ऑडिटर के बारे में अगर बीओडी को कुछ भी बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो बताएगा थ्रू फॉर्म CRA 2. CRA 3 किसके लिए यूज किया जाता है? तो जब कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बीओडी को दे, तो वो देता है बाय फॉर्म CRA 3. एंड CRA 4 किसके लिए यूज किया जाता है? तो जब बीओडी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो होता है अंडर CRA. कॉस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय, ये इतना आसान सवाल है कि आप हर रोज दुआएं करें कि यही एग्जाम में आए आपके, एंड ऐसा ही सारा MCQ आए. कॉस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय एम्प्लॉय, कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, नन ऑफ द अबव. कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? सेक्रेटेरियल ऑडिटर नहीं, एम्प्लॉय कौन कर सकता है? अरे बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑडिटर ही करेगा ना, और कौन करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सेम लेवल, इजी क्वेश्चन. भगवान करे ऐसे ही मेरा पूरा पेपर भर जाए, यही बस आप हर रोज भगवान से मनाइए, हाँ ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन आए, तब आपको MCQ में एक मार्क भी कम नहीं आएगा. MCQ में 30 on 30 पूरा गारंटी, तब आपको कोई MCQ वीडियो की भी जरूरत नहीं है. सेक्रेटेरियल ऑडिट कैन बी डन बाय एम्प्लॉय, कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, नन ऑफ द अबव. सेक्रेटेरियल ऑडिटर. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू बीओडी इन फॉर्म नंबर, अभी हम ऊपर पढ़ के आए चारों फॉर्म का क्या क्या रेलेवेंस है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू बीओडी, बीओडी को रिपोर्ट कौन सबमिट करता है? कॉस्ट ऑडिटर. एंड किस फॉर्म में सबमिट करता है? CRA 3 में. सो आंसर विल बी सी, CRA 3. कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स का कोई रोल आता नहीं है, तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करता नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक ऑडिटर अपॉइंट करने आएगा नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता नहीं है. तो कौन अपॉइंट करता है कॉस्ट ऑडिटर को? बीओडी. पर हाँ, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, तो ऑडिट कमेटी से रिकमेंडेशन लिया जाता है. सो द आंसर विल बी बीओडी ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम ऑडिट कमेटी. अगर ऑडिट कमेटी नहीं है, तो डायरेक्टली बीओडी अपॉइंट कर सकता है, बट अगर ऑडिट कमेटी है, तो ऑडिट कमेटी से रिकमेंडेशन लिया जाता है कि किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए, कॉस्ट ऑडिटर. सो द आंसर विल बी सी. सेक्रेटेरियल ऑडिट इज कवर्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द कंपनी एक्ट. सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन से सेक्शन में कवर होता है? सेक्रेटेरियल ऑडिट कवर होता है सेक्शन 204 में. 148 में कवर होता है कॉस्ट ऑडिट, एंड सेक्शन 139 में कवर होता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट. सो सेक्रेटेरियल ऑडिटर कौन से सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 204. सेक्रेटेरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़. तो सेक्रेटेरियल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो हर लिस्टेड कंपनी पे लगता है, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे लगता है,
जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, या हर ऐसी कंपनी जिसने पब्लिक से लोन लिया है, बोरिंग्स लिए है, या उसका डिपॉजिट्स इज मोर देन 100 CR। तो टर्नओवर कितना क्रॉस होने से सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा? 250 करोड़ से। फॉर्म फॉर सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इज, तो बहुत अच्छा तरीका है इसको याद करने का, कॉस्ट ऑर्डर कौन से फॉर्म नंबर में अपना कॉस्ट ऑर्डर रिपोर्ट सबमिट करता है BOD को? CRA 3। तो सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी कौन से फॉर्म में सबमिट करेगा अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट? MR 3। तो कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करे या सेक्रेटेरियल ऑडिटर सबमिट करे, जब वो अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो फॉर्म नंबर क्या हो जाएगा? 3। वहां पे CRA 3, यहाँ पे सेक्रेटेरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज। अभी हम ऊपर लिख के है ना एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें पेड अप शेयर कैपिटल क्या लिखा? 50 करोड़। तो आंसर क्या होगा? 50 करोड़। डिविडेंड कहाँ से पे नहीं किया जा सकता? करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बिल्कुल पे किया जा सकता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन बिल्कुल किया जा सकता है। मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल किया जा सकता है। तो कहाँ से नहीं पे आउट किया जा सकता है डिविडेंड? रीवैल्युएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक नोशनल प्रॉफिट होता है, रियल प्रॉफिट नहीं होता है। सो डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्युएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रूविंग द ट्रूथ मीन्स वाउचिंग ऑफ, वाउचिंग किसका करते हो आप? पेमेंट एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी, एक ही चीज का तो वाउचिंग होता है, एक्सपेंसेस। सो द आंसर विल बी बी, प्रूविंग द ट्रूथ मीन्स वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस। ऑडिट ऑफ डिबेंचर इज कवर्ड अंडर सेक्शन 70, 71, 72 या 73। तो आंसर विल बी यहाँ पे 71। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज कवर्ड अंडर डैश सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, कौन से सेक्शन में कवर किया जाता है डिविडेंड? सो डिविडेंड इज कवर्ड अंडर सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एन ऑडिट रिपोर्ट इज द डैश प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट, मेन प्रोडक्ट नहीं, सेमी फाइनल, तो कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि क्वार्टरली, सेमी फाइनल, T20, ये सब नहीं होता। ऑडिट रिपोर्ट इज ऑलवेज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट, उसके बाद और कुछ काम नहीं रहता ऑडिटर का उस एंटिटी में। एंड ऑडिट इज कंडक्टेड टू ड्रॉ ओवरऑल ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। कॉस्ट स्टेटमेंट का तो ऑडिट किया जाता है अंडर कॉस्ट ऑडिट, इनकम स्टेटमेंट हो गया PNL, जो कि आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ऑडिटर क्या ऑडिट करता है? एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटीज। ऑडिट इज कंडक्टेड टू ड्रॉ ओवरऑल ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। SA 700 स्टैंड्स फॉर ऑडिट प्लानिंग, जॉइंट ऑडिटर, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या नन ऑफ द अबव। येट अगेन, अगर आपको अब स्टैंडर्ड्स याद करने में भी दिक्कत होती है, तो एसे मेमोरी ट्रिक्स इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल एंड दैट इज फॉर ऑल द एसेज दैट आर रेलिवेंट फॉर योर सिलेबस। तो आप वो सारा एसेज जाके देख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर वेरी कॉमन इन योर एग्जामिनेशन। तो मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करके आए, तो आप वो मेमोरी ट्रिक्स देख सकते हैं एंड द स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द मेमोरी ट्रिक्स। तो आपको बहुत आसानी से सारे ऐसे नंबर्स अलॉन्ग विद देयर नेम्स याद हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो ऑडिट प्लानिंग तो जी होता है SA 300, जॉइंट ऑडिटर का होता है SA 299, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंटेन्ड अंडर SA 700। सो द आंसर विल बी सी। An auditor should submit a disclaimer of opinion when he is satisfied with truth and fairness of financial statement. बिल्कुल नहीं, तब तो वो unqualified opinion देगा। He has certain reservations as to presentation of truth and fairness in financial statement, तब वो qualified opinion देगा। The effect of any disagreement with management is not so material, तब again वो क्वालिफाइड दे सकता है या अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है। सम मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, हाँ, तब वो देता है डिस्क्लेमर ऑफ
ओपिनियन, जब उसके पास एविडेंस ही नहीं होता चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तब वो अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर देता है, यानी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू फॉर्मुलेट एन ओवरऑल ओपिनियन ऑन कॉस्ट स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे बहुत जन ये गलती करके आएंगे कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स टिक करके आएंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट ऑप्शन नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट ऑप्शन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो आता है, उसको ऑडिटर ऑडिट करता है। While conducting the audit of financial statement, auditor needs to comply with cost audit standards, secretarial standard, auditing standards, या none of the above. तो the cost audit standards are to be complied in case of cost audit. Secretarial audit standards are to be complied in case of secretarial audit. But यहाँ पे तो जी बात हो रही है audit of financial statement, यानी statutory audit की, तो उसमें कौन सा standards के साथ auditor को comply करना पड़ता है? Auditing standards. द एसेट प्रोटेक्शन इज पॉसिबल थ्रू इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन हम क्लास में भी बहुत बार करते हैं, क्योंकि इसमें यूजुअली आंसर हम सबको लगता है इंटरनल कंट्रोल होगा, बट आंसर है इंटरनल ऑडिट, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल को भी जो चेक करे वो है इंटरनल ऑडिट, एंड इंटरनल ऑडिट इज अल्टीमेटली द थिंग दैट इंश्योर्स कि एसेट्स आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल्स नहीं सही चल रहे होंगे तो एसेट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे, एंड ये इंटरनल कंट्रोल सही नहीं चल रहे या चल रहे ये कौन बताता है? इंटरनल ऑडिट। सो एसेट प्रोटेक्शन किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? इंटरनल ऑडिट के थ्रू। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर, एज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग टू बी डन बाय द मैनेजमेंट, ऑडिटर, अकाउंटेंट, या नन ऑफ द अबव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग कौन करता है? ऑडिटर। इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस से किसको मतलब है? ऑडिटर। क्यों मतलब है? क्योंकि वो अपना ऑडिट प्रोसीजर वैसे डिजाइन करेगा। तो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल से किसको फर्क पड़ता है? ऑडिटर। मैनेजमेंट और अकाउंटेंट को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क? तो ऑडिट रिस्क के कॉम्पोनेंट्स क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क, इनटू कंट्रोल रिस्क, इनटू डिटेक्शन रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क तो जी है, डिटेक्शन रिस्क भी है, कंट्रोल रिस्क भी है, ओमिशन रिस्क ऑडिट रिस्क नहीं है। परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यूज, हर एक टर्म छोड़ के आ जाता है ये वाले एमसीक्यू की। परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या होता है, परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या नहीं होता है, करंट ऑडिट फाइल में क्या होता है, करंट ऑडिट फाइल में क्या नहीं होता है। तो परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या नहीं होता है? रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड एवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये तो होता है। सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर्स, ये भी होता है। एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स, ये भी होता है। ये सब परमानेंट फाइल में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये साल बे साल नहीं किया जाता है, इनको फर्स्ट ईयर इटसेल्फ में करके प्रिजर्व कर दिया जाता है, जो कि पूरे ऑडिट टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए काम आ पाए। तो ये सब तो जी परमानेंट ऑडिट फाइल में जाते हैं, पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्या परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं जाता? तो कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर्स परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं जाती, क्योंकि आप हर साल मैनेजमेंट से कन्फर्मेशन देते हो विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन थिंग्स। ऐसा नहीं होता है कि एक बार कंफर्मेशन ले लिया तो 5 ईयर्स के लिए वैलिड, आपको हर साल मैनेजमेंट से कंफर्मेशन देना होता है, एंड इसीलिए मैनेजमेंट लेटर्स जाते हैं करंट ऑडिट फाइल में, परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं। ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इंक्लूड कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। तो आपको ऑडिट एविडेंस ढूंढने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो द आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड। The dash is also expected to provide resources needed and select staff members to accompany the auditors. Option है auditor, client, internal auditor and auditee. इसमें नया शब्द क्या है? auditee. अभी जी ये कौन होता है? तो तीन parties होते हैं audit के, auditor जो audit कर रहा है, एक person जो audit करवा रहा है जो कि होते हैं usually shareholders, and एक company जिसका audit हो रहा है। तो जी जो ऑडिट करवाता है ना, जो ऑडिट करवाता है, जो ऑडिटर को अपॉइंट करता है, जो ऑडिटर को कहता है इस कंपनी की ऑडिट कर, यानी जो हमारा शेयर होल्डर्स है उसको तो कहते हैं क्लाइंट, एंड जिसको ऑडिट हो रहा है उसको कहते हैं ऑडिटी। हमारे तीन पार्टीज होते हैं ऑडिट में, ऑडिटर, शेयर होल्डर्स एंड कंपनी। तो जो ऑडिटर से ऑडिट करवाता है, जो ऑडिटर को बोलता है लेके आ ऑडिट कर इस कंपनी की, हमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी पे बता, उसको कहते हैं शेयर होल्डर्स यानी क्लाइंट, एंड जिस कंपनी का ऑडिट हो रहा है उसको कहते हैं ऑडिट।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द डैश इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिसोर्सेज नीडेड एंड सिलेक्ट स्टाफ मेंबर्स टू अकंपनी द ऑडिटर्स. तो किसको अपने स्टाफ मेंबर्स को भेजना पड़ेगा ऑडिटर की मदद करने के लिए? ऑब्वियसली कंपनी को. एंड कंपनी का दूसरा नाम क्या है? ऑडिट टीम. ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, नया एमसीक्यू है. यूजुअली हमें ऑडिटेड टर्म का मतलब नहीं होता, तो आज समझ लो जिस कंपनी को ऑडिट हो रहा है उसको कहा जाता है ऑडिटी. एंड जो ऑडिट करवा रहा है यानी जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है जिसके वजह से ऑडिट हो रहा है यानी जो शेयर होल्डर्स है उसको कहा जाता है क्लाइंट. ठीक है. ईच ऑफ द थ्री पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन एन ऑडिट डैश प्लेज अ रोल दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स सक्सेस. क्लाइंट ऑडिटर ऑडिटी बिल्कुल सही है. क्लाइंट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर नहीं. क्लाइंट मॉडरेटर ऑडिटी कोई झगड़ा थोड़ी हो जाए मॉडरेटर की जरूरत है तो नहीं, ये भी नहीं. क्लाइंट ऑडिटर एंड कॉस्ट ऑडिटर बिल्कुल नहीं. सो द ऑप्शन विल बी ए. क्लाइंट ऑडिटर एंड ऑडिटी के सही होने की जरूरत है ऑडिट सही होने के लिए. एसे 230 स्टैंड फॉर क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नहीं है तो SQC 1 में बताया गया है. अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. नहीं है तो SA 210 में बताया गया है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर बिल्कुल भी नहीं है. SA 299 में बताया गया. तो SA 230 किसके लिए स्टैंड करता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए. परमानेंट फाइल कंटेन्स. अभी हम ऊपर क्या पढ़ के आए? परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन. अब क्या पूछा गया? परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेन्स मतलब परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या आता है? कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर. नहीं, ये करंट ऑडिट फाइल में आता है. ऑडिट प्रोग्राम हर साल चेंज होता है, करंट ऑडिट फाइल में आता है. एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस. हर बार अलग अलग बैलेंसेज रहेंगे, हर बार अलग अलग ट्रांजैक्शंस रहेगा एंड हर बार उसका अलग अलग एनालिसिस होगा. तो ये भी जाता है आपके करंट ऑडिट फाइल में. एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स. हाँ जी, ये आता है आपके परमानेंट ऑडिट फाइल में. द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑडिट स्टाफ अकाउंटेंट और मैनेजमेंट. हमारा इंटरनल ऑडिटर कोई पुलिस तो है नहीं कि वो इंसान को प्रोटेक्ट करेगा, तो ना वो स्टाफ को प्रोटेक्ट कर सकता है, ना वो अकाउंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, ना वो मैनेजमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है. क्योंकि हम इंटरनल ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस में ये नहीं डालते कि आपको CBI से होना चाहिए या आपको IPS होना चाहिए या आपको IAS होना चाहिए या आपको आर्मी में होना चाहिए. तो वो इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी. फाइनल ऑडिट इज नोन एज टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एनुअल ऑडिट या ऑल ऑफ द अबव. तो फाइनल ऑडिट को और क्या बोलते हैं? एनुअल ऑडिट. एनुअल ऑडिट मतलब साल में एक बार होने वाला ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट मतलब साल में एक बार होने वाला ऑडिट. तो फाइनल ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल ऑडिट. SA 300 stands for responsibility of joint auditor, overall planning of audit, audit planning या none of the above. तो overall planning of audit करके कोई ऐसे नहीं है, तो ये तो जी ऐसे ही रिजेक्ट हो गया. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर आती है SA 299 में. अब जी बच्चा ऑडिट प्लानिंग जो कि सही ऑप्शन है, तो SA 300 डील करता है ऑडिट प्लानिंग के साथ. ठीक है. An auditor is required to retain the books of accounts for how long? मैंने बोला कि जैसे years की बात आए, 7 जन्म को याद करना है, audit के favorite number को याद करना है, that is 7. तो auditor को कितने दिन तक books of accounts retain करनी है? Obvious सी बात है, 7 years. SA 530 stands for audit documentation, audit sampling, responsibility of joint auditor, agreeing the terms of audit engagement. तो ये audit documentation तो आता है SA 230 में. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर आता है SA 299 में. अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आता है SA 210 में. अब बचा ऑडिट सैम्पलिंग जो कि है करेक्ट आंसर, क्योंकि SA 530 में आता है ऑडिट. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन नॉट बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर एज पर कंपनीज एक्ट. कहाँ बताया गया है कि एक ऑडिटर को क्या क्या सर्विसेज नहीं रेंडर करनी चाहिए? तो Section 144 में बताया गया है कि एक ऑडिटर को क्या क्या सर्विसेज नहीं रेंडर करनी चाहिए. एंड क्या क्या है वो सर्विसेज? सबसे पहला एक्चुरियल सर्विस, फिर इंटरनल ऑडिट, फिर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम,
उसके बाद अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, अदर मैनेजमेंट सर्विसेज, आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एनी अदर सर्विस मेंशन्ड इन दिस सेक्शन. तो ये सारी सर्विसेज एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर को नहीं इनकर करनी चाहिए, एंड ये बताया गया सेक्शन 144 में. तो यहाँ पे कुछ चार सर्विसेज का नाम दिया गया है, आपको पूछा गया है कि ये चार सर्विसेज में से कौन सी ऐसी सर्विस है जो मेंशन है सेक्शन 144 में, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर नहीं इनकर कर सकता. वाउचिंग तो वो करता ही है, वही है उसका काम. वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी, ऑडिट का जॉब है ये. इशूइंग सर्टिफिकेट्स ऑन रेलिवेंट मैटर, बेशक ऑडिटर ऑडिट सर्टिफिकेट इशू कर सकता है. प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, ओ जी ये तो है सेक्शन 144 का सर्विस, तो ये ऑडिटर नहीं इनकर कर सकता है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी. वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑडिट आर प्रोडक्ट प्रोसेस मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. When an auditor is the employee of the organization being audited, the audit is classified as a dash quality audit. मतलब जो कंपनी का एम्प्लॉय है ना, वही उसका ऑडिटर है. तो ये कैसी टाइप की ऑडिट होती है? ये होती है इंटरनल क्वालिटी ऑडिट. सो द ऑडिट इज क्लासिफाइड एज इंटरनल क्वालिटी ऑडिट. द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ ऑडिट इज द डैश सिस्टम ऑडिट, विच एग्जामिन सूटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ सिस्टम एज अ होल. क्वान्टिटी सिस्टम ऑडिट कुछ नहीं होता. प्रिलिमिनरी मतलब फर्स्ट, ये भी आंसर नहीं है. सीक्वेंशियल सिस्टम ऑडिट से कोई इफेक्टिवनेस या सूटेबिलिटी गारंटी नहीं होती. क्वालिटी सिस्टम ऑडिट से सूटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशियंसी गारंटी होती है. ऑडिट इज अ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस दैट कंपेयर्स एक्चुअल रिजल्ट्स विद स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, प्री मेच्योर रिजल्ट, प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स. तो एक्सपेक्टेड से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, वरना बता ही नहीं पाएंगे सही क्या है गलत क्या है. प्री मेच्योर कुछ होता नहीं है. प्रिलिमिनरी मतलब पहले के रिजल्ट, उसको कंपेयर करके कुछ होगा नहीं. ऑडिट कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद स्टैंडर्ड्स एंड प्लान. स्टैंडर्ड से कंपेयर करेगा तभी तो उसे पता चलेगा गलतियां कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है. सो द ऑप्शन ए विल बी द आंसर. कैट स्टैंड्स फॉर, कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. यहाँ पे आपको कहीं पे ऑडिट का जिक्र लग रहा है, एक वर्ड भी दिख रहा है ऑडिट से रिलेटेड. तो ये तीनों तो ऑप्शन में होने ही नहीं चाहिए. अगर इंस्टीट्यूट होशियार होता तो कुछ ऑडिट रिलेटेड वर्ड देता, बट ये तो यहाँ पे इन्होंने बहुत इजी कर दिया. ऑडिट रिलेटेड वर्ड ही नहीं है ऊपर तीनों ऑप्शन में, तो ऊपर तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाती है. तो आंसर क्या होगा? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. भैया तुम ऑडिट का पेपर देने बैठे हो, एटलीस्ट ये तो देखोगे कुछ चीज़ें ऑडिट से रिलेटेड है या नहीं है. कॉर्नवेल, चिल्ड्रेन, एनिमल, ये सब तुमसे रिलेटेड है? तुमको एनवायरमेंट एजुकेशन की क्लास में बिठाया है, ऑडिट का एग्जाम देने बिठाया है ना, तो एटलीस्ट ऑडिट का कुछ जिक्र तो देखोगे. सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव टू रिटेन द वर्किंग पेपर्स फॉर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स. मैंने बोला ऑडिट में अगर इयर्स की बात आ रही है तो क्या टिक करोगे? 7 साल. सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ऐसे 210 स्टैंड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं है, SQC 1 में आता है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन SA 230 में आता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिट SA 299 में आता है. अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आता है SA 210 में. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. करेंट ऑडिट फाइल कंटेन्स, अब परमानेंट रिलेटेड हो गया, अब करेंट ऑडिट फाइल से क्वेश्चन है. करेंट ऑडिट फाइल में क्या जाता है? ओआ एंड मोआ ऑफ द कंपनी, ये साल पे साल चेंज नहीं होती इसीलिए जाती है परमानेंट ऑडिट फाइल में. एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स एक बार कराई जाती है, फिर ये जाती है परमानेंट ऑडिट फाइल में.
नोट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग पॉलिसीज कोई आसान बात नहीं है चेंज करना, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं. तो अकाउंटिंग पॉलिसीज भी यूजुअली चेंज नहीं होती है, एंड ये भी जाती है परमानेंट ऑडिट फाइल में. पर ऑडिट प्रोग्राम हर साल के लिए अलग बनाया जाता है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, जो भी आपकी फाइंडिंग्स है, जो आपको और ढूंढना है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है. तो ऑडिट प्रोग्राम हर साल चेंज करा जाता है, तो ये जाता है आपका करेंट ऑडिट फाइल. द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटेक्ट द एरर इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, कैश रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड्स. उसको एम्प्लॉय, कैश और बैंक से कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब होता है अकाउंट से. सो द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटेक्ट द एरर इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटरमाइन लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, अकाउंटेंट या एक्सटर्नल ऑडिटर. किसकी लाइबिलिटी डिटरमाइन होती है इंटरनल ऑडिट से? तो इंटरनल ऑडिट से डिटरमाइन होती है हमारी एम्प्लॉई की लाइबिलिटी, यानी उसने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रखी है, उसने कहाँ कहाँ चोरी की है, उसने कहाँ कहाँ फ्रॉड किया है. The function of internal audit is meant for dearth of staff, dearth of time, dearth of time and funds, या dearth of funds. यहाँ पे किसका चेकिंग किया जाता है? टाइम और फंड से इंटरनल ऑडिटर को कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब है स्टाफ की गलतियों से. सो द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट इज मेंट फॉर dearth of staff. Checklist contains the instructions to be followed by the internal auditor, external auditor, audit assistant या employee of the organization. पहले बताओ checklist होता क्या है? So checklist is a mean to evaluate the internal control of an entity. Checklist दिया जाता है usually हमारे सारे audit staffs को, ताकि वो इंश्योर करे कि पूरे ऑडिट में वो कोई भी प्रोसीजर मिस ना करे एंड पूरा इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द एंटिटी सही से चेक करे. इसके अलावा ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट होता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, जो कि दिया जाता है इम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, जिनके आंसर्स के बेसिस पे इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट किए जाते हैं. अब यहाँ पे आंसर में या ऑप्शंस में दोनों ऑडिट असिस्टेंट्स एंड एम्प्लॉयज, एंड बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि चेकलिस्ट ऑडिट असिस्टेंट्स को दिया जाता है या एम्प्लॉयज को. तो हमेशा याद रखो क्वेश्चनेयर दिया जाता है एम्प्लॉयज को एंड चेकलिस्ट दिया जाता है ऑडिट असिस्टेंट्स को. सो द आंसर विल बी सी, ऑडिट असिस्टेंट. द डैश शैल एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमिटी. तो सी एस ही एक्ट करेगा ना, और कोई क्यों एक्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ ऑडिट कमिटी की तरह. सो द सी एस शैल एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑफ ऑडिट कमिटी. अ नॉमिनेशन एंड रेमिनरेशन कमिटी शुड हैव डैश डायरेक्टर्स. कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो तीन डायरेक्टर्स होते हैं एन आर सी नॉमिनेशन एंड रेमिनरेशन कमिटी में. If the debentures are issued as a collateral security either to banks or creditors, the auditor needs to ensure that such issue is approved by shareholders, board of directors, debenture trustee या audit committee. किसको ये issue approve करनी चाहिए? तो BOD के approval से ही collateral security issue होती है. So BOD का approval is required. As per SQC 1, audit working paper should be retained for a period of 2 years, 5 years, 7 years, 10 years. फिर से आ गया है वक्त का बात. तो audit में if we are calculating years, तो option में सबसे eligible option क्या होता है? 7 years. 7 is our favorite number for years. तो अगर 7 साल दिख रहे हैं, तो उसको आग बंद करके टिक कर दो. Jokes apart, audit working papers एक auditor को 7 साल के लिए ही रखने होते हैं. Internal auditor is appointed by audit committee, shareholders, extraordinary general meeting, board of directors. देखो EGM तो option में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे appointed where नहीं पूछा, appointed by पूछा है. तो EGM तो option में नहीं होता. Internal auditor से या internal audit से क्या financial statements का भला होता है, क्या shareholders का भला होता है? नहीं जी, उसमें तो एंटिटी का खुद का भला होता है, एंटिटी के फ्रॉड और एरर डिटेक्ट होते हैं. तो shareholders का तो कोई रोल ही नहीं आता. ऑडिट कमिटी का भी इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में कोई रोल नहीं आता. बीओडी जो है ना, वो अपॉइंट करता है इंटरनल ऑडिटर. इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर कंटेन्स द क्वेश्चंस व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड बाय द, अभी मैं ऊपर समझा के चेकलिस्ट के साथ कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर दिया जाता है एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, इनके आंसर्स के बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है कि इंटरनल कंट्रोल सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे. तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर किसको इशू किया जाता है? एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इशू किया जाता है.
Which of the following is not included in the current audit file? मतलब इनमें से क्या परमानेंट ऑडिट फाइल में डाला जाता है? इनमें से क्या परमानेंट ऑडिट फाइल में डाला जाता है? सबसे पहला मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मुझे तो ये सही लग रहा है, यही डाला जाता है परमानेंट ऑडिट फाइल में। करंट ईयर ऑडिट प्रोग्राम, वो जाता है करंट ऑडिट फाइल में। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पूछ लोगे तो दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, नहीं मैम हर साल क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये भी डाला जाता है करंट ऑडिट फाइल में। बजट की कॉपीज हर साल चेंज होती है, तो ये भी डाला जाता है करंट ऑडिट फाइल में। सो द आंसर विल बी ए। मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स यूजुअली चेंज नहीं होते, तो उनको डाला जाता है परमानेंट ऑडिट फाइल में। और दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन करंट ऑडिट। Which of the following is not external audit evidence? यानी which of the following is an internal audit evidence? इसमें से आपको बताना है इनमें से क्या एक internal audit evidence है? Quotations, ये तो बाहर वालों से आते हैं। Confirmation from debtors, बाहर वालों से आते हैं। Confirmation from bankers, बाहर वालों से आते हैं। पर goods receipt note आप देते हो, जब आपके पास गुड्स आते हैं तो आप चेक करते हो कि गुड्स जितने बिल में है और गुड्स जितने आपको रिसीव किए वो सही है या नहीं, एंड फिर आप गुड्स रिसीट नोट साइन करके देते हो। तो गुड्स रिसीट नोट जो होता है ना, वो एक्सटर्नल एविडेंस नहीं होता, या वो एक इंटरनल एविडेंस होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज कवर्ड बाय एसए 220, एसए 230, एसए 520, एसए 530। तो अब तो इतनी बार हम इस एसए का नाम सुन चुके हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कौन से एसए में आता है? एसए 230, एसए 230। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ऑडिट एविडेंस? यानी अब पूछा जा रहा है इनमें से क्या एक एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस? तो क्रेडिट एंड डेबिट नोट आप इशू करते हो, सेल्स इनवॉइस आप इशू करते हो, गुड्स रिसीट नोट आप इशू करते हो, कोटेशंस बाहर से आते हैं। कोटेशन मतलब सपोज आप कोई एसेट खरीदने गए, तो ऐसा तो नहीं अगर कोई महंगा एसेट होगा तो एक दुकान में देखा और उसको फाइनलाइज कर दिया, नहीं आप 10-15 जगह पता करोगे, 10-15 लोगों से कोटेशन लोगे कि उनका भाव क्या है, उसके बाद द बेस्ट रेट दैट विल सूट यू आप वहां से खरीदोगे। तो ये जो रेट कंपैरिजन चार्ट भेजते हैं ना लोग अपने, इन्हीं को कहते हैं कोटेशन। तो कोटेशन एक इंटरनल ऑडिट एविडेंस नहीं होता, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस होता है, ये बाहर वाले लोगों से आता है। फिर आता है क्वेश्चन 74। फॉर्म विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि अगर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है एंड ये बात हमारे बीओडी को सेंट्रल गवर्नमेंट को बतानी है, तो कौन से फॉर्म के द्वारा बताते हैं? CRA 2। हमने ऊपर अभी सारे फॉर्म्स के बारे में लिखा था। CRA 1 होता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए, CRA 2 होता है बीओडी को अगर कुछ भी बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। CRA 3 में कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है बीओडी को, एंड CRA 4 में बीओडी ये रिपोर्ट सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आंसर होगा CRA 2। नो ऑडिट फर्म शैल बी अपॉइंटेड और री अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन डैश टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स। कितने टर्म के लिए एक ऑडिट फर्म अपॉइंट हो सकता है? तो एक ऑडिट फर्म अपॉइंट हो सकता है 2 टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए। सो द आंसर विल बी 2 एंड 5। यही अगर एक इंडिविजुअल ऑर्डर होता तो वो अपॉइंट हो सकता है 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर SA 700 रिवाइज्ड? ऑडिटर्स ओपिनियन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है। बेसिस फॉर ओपिनियन येट अगेन इंपॉर्टेंट पैरा। की ऑडिट मैटर्स, ऑडिटर अपने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें लिखता है। रिपोर्ट ऑन अक्रूअल अजम्पशन नहीं, ये नहीं जाता है SA 700 के ऑडिट रिपोर्ट में। Which of the following is not a part of rural self-governance system in India? मैं क्लास में बहुत बार बोलती हूँ, मैराथन में भी बोला कि रूरल एंड लोकल दोनों सेल्फ गवर्नमेंट के सारे नाम आपको एकदम मुंह पे याद होने चाहिए, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। एंड अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आप खुद ही नहीं समझ पाओगे अरे क्या था और क्या नहीं, इतने कंफ्यूजन ऑप्शन होते हैं। रूरल सेल्फ गवर्नमेंट में, सेल्फ गवर्नेंस में क्या क्या गवर्नमेंट्स आती है? सबसे पहला आता है जिला परिषद, फिर आपका आता है पंचायत समिति,
एंड लास्ट आता है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है। एक इन्होंने नया ऑप्शन बना लिया, ग्राम परिषद। अब अगर आपको ये तीनों नाम में याद नहीं हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो आप तो टिक कर दोगे ग्राम परिषद, सिमिलर सा ही नाम साउंड कर रहा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये तीनों और लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम के नाम एकदम मुंह पे याद होने चाहिए, उसको कुछ भी करके भूलना नहीं है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी। कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑल्टर इज फिल्ड बाय, कॉस्ट ऑल्टर का कुछ भी हो वो बीओडी ही करता है, उसको लाता भी बीओडी, उसको रिमूव भी बीओडी करता है, उसका रेमुनेशन भी बीओडी डिसाइड करता है, सब कुछ बीओडी ही करता है। तो अगर कैजुअल वैकेंसी हुई तो वो भी बीओडी ही फिल करे। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ बोनस टू इट्स मेंबर्स। कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर होना चाहिए? 25। बट अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि इस बार उतना बजट नहीं है एंड 25% नहीं ट्रांसफर कर सकते तो ये परसेंटेज रिड्यूस हो सकता है, पर 10% के नीचे नहीं जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क, तो ऑडिट रिस्क के कॉम्पोनेंट्स है आई आर यानी इनहेरेंट रिस्क, इन टू कंट्रोल रिस्क, इन टू डिटेक्शन रिस्क। अच्छा यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडिट रिस्क, आई एम सॉरी आई मिसरेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडिट रिस्क, तो फाइनेंशियल रिस्क ऑडिट रिस्क नहीं है, ऑपरेशनल रिस्क ऑडिट रिस्क नहीं है, सिस्टमैटिक रिस्क ऑडिट रिस्क नहीं है, कंट्रोल रिस्क ऑडिट रिस्क का पार्ट होता। इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इंटरनल ऑडिट किस पे एप्लीकेबल होता है? हर लिस्टेड कंपनी पे, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिसके लोन्स 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिसके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, और हर अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी पे जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसका लोन्स 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे पूछा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे कब लगेगा, उसका पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया क्या है? तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल जब 50 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तब उस पर इंटरनल ऑडिट लगे। ईच क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कैन बी एन ऑडिटर ऑफ एट मोस्ट कंपनीज, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने कंपनीज को एक बार में ऑडिट कर सकता है, यानी एक स्टैटूटरी ऑडिटर कितने कंपनीज को ऑडिट कर सकता है एक टाइम पे? 20 कंपनीज, 20 कंपनीज से ज़्यादा वो ऑडिट नहीं कर सकता है। ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज गाइडेड बाई डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट, सेक्शन 141 डिस्क्वालिफिकेशंस, सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में बताया गया ऑडिटर की ड्यूटी इन रिगार्ड टू फ्रॉड। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर फ्रॉड का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सेक्शन कोट करना चाहिए। द ऑडिट रिपोर्ट वेयर एन ऑडिटर गिव्स ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू सर्टन रिजर्वेशन इज नोन एज, मतलब गलतियां तो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बहुत गलतियां नहीं है, सिर्फ एक दो आइटम में गलती है। तो जब सिर्फ एक दो आइटम में गलतियां होती है, मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल तो होते हैं परवेजिव नहीं होते, तब ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देता है? तब ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देता है या क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इंटरनल चेक इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल, ट्रू। इंटरनल चेक इज एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज अमंग द स्टाफ इन सच अ वे दैट इट एलिमिनेट्स द चांस ऑफ एनी डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, नहीं भाई इसके तो काम तो ऐसे ही सजाता है कि एक का काम दूसरा वापस चेक करे, तो हाँ काम डुप्लीकेट नहीं हो रहा है पर रीचेकिंग तो हो रही है, तो ये पार्शली ट्रू पार्शली फॉल्स है, तो मैं इसको फॉल्स मार्क करती हूँ। इंटरनल चेक इज एन ऑल्टरनेटिव टू ऑडिट, नहीं, इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड ये दोनों चीजें चेक होती है इंटरनल ऑडिट में, तो इंटरनल चेक इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू इंटरनल ऑडिट।
ये भी है फॉल्स। इंटरनल चेक इज अ रिएक्टिव प्रोसेस। नहीं यार, रिएक्टिव प्रोसेस तो तब होता है जब गलतियां होती है उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं। यहाँ पे तो गलती से बचने के लिए हम एक्शन ले रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। सो इंटरनल चेक इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग एंड ऑडिट एज पर SA 200। मतलब इनमें से क्या फीचर्स ऑडिटर में नहीं होने चाहिए एज प्रिस्क्राइब बाय SA 200। SA 200 बताता है कि एक ऑडिटर को डिवाइस कैप्स फॉलो करना चाहिए, यानी उसे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए, अगर कोई और काम परफॉर्म कर रहा है तो उसको सुपरवाइज करना चाहिए, इंटेग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, ऑडिट एविडेंस ढूंढना चाहिए, प्रॉपरली कंक्लूड एंड रिपोर्ट करना चाहिए, ऑडिट बोलिए अकाउंटिंग कंट्रोल अच्छे से देखना चाहिए, अकाउंट्स पूरे अच्छे से देखना चाहिए, प्लानिंग सही से करना चाहिए, एंड ही शुड हैव स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। तो ये प्रिस्क्राइब्ड है एज पर SA 200। आप पूछा है इनमें से क्या प्रिस्क्राइब्ड नहीं है SA 200 द्वारा। इंटेग्रिटी प्रिस्क्राइब्ड है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिस्क्राइब्ड है, ऑडिट एविडेंस उसे ढूंढना चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं है एक बेसिक प्रिंसिपल एज पर SA 200। ऑडिट वर्किंग पेपर इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ऑडिट वर्किंग पेपर बनाता कौन है? ऑडिटर। तो किसकी प्रॉपर्टी होगी? ऑडिटर। सो ऑडिट वर्किंग पेपर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। इसमें बहुत बच्चे गलतियां करेंगे एंड लिखेंगे क्लाइंट, नहीं क्लाइंट का डॉक्यूमेंट नहीं होता ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर इज अंडर द ओनरशिप ऑफ ऑडिटर, क्योंकि उसे ऑडिटर रेडी करता है, क्लाइंट नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट? कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट। तो कॉस्ट एंड टैक्स ऑडिट तो सब्जेक्ट मैटर वाइज होती है। कंटिन्यूअस ऑडिट होता है पीरियड वाइज, इंटरनल ऑडिट होता है फंक्शनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिविडेंड? आउट ऑफ करेंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर पास्ट लॉसेस बिल्कुल दे सकते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विदाउट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द करेंट ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर, यहाँ से भी दे सकते हैं। आउट ऑफ पास्ट रिजर्व सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत है कि इन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं हटाया, तो पहले डेप्रिसिएशन हटाओ फिर गाँव का भलो करो फिर उनको डिविडेंड दो, तो बी से डिविडेंड नहीं दे सकते। ऑप्शन बी इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिविडेंड, क्योंकि आप पहले अपने लॉसेस सेट ऑफ करो, अपना डेप्रिसिएशन हटाओ फिर लोगों को डिविडेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज बाय एन ऑडिटर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट? तो सेक्शन 144 हमने लिखा था, कहाँ लिखा था, कहाँ कहाँ, ये रहा। सेक्शन 144 में क्या क्या सर्विसेज आती है? एक्चुअरियल सर्विस, इंटरनल ऑडिट सर्विस, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस, अदर मैनेजमेंट सर्विस, आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एनी अदर सर्विस। तो ये मैंशन है आपके सेक्शन 144 में। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा सर्विस नहीं आता है सेक्शन 144 में। तो एक्चुअरियल सर्विस आता है, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस आता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज भी आती है, इशूइंग डिपॉजिट रिटर्न सर्विस सर्टिफिकेट, तो ये आपके सेक्शन 144 में नहीं आता है, तो ये ऑडिटर इन पर कर सकता है या ऑडिटर रेंडर कर सकता है। मिनिमम पेनल्टी पेएबल बाय अ कंपनी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 to 146 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज 25,000। पेनल्टी सेक्शंस यूजुअली याद नहीं रहती, पेनल्टी चार्ट बनवाया हुआ है, मैराथन में भी समझाया गया है, तो प्लीज़ उसको रेफर करके जाए कि अगर पेनल्टी का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर पाए। टेस्ट चेकिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी। ऑडिट में कोई मैथमेटिकल थ्योरी नहीं लगती, ज्योमेट्री थ्योरी नहीं लगती, स्टेक होल्डर की कोई थ्योरी ही नहीं होती। तो टेस्ट चेकिंग का दूसरा नाम होता है सैम्पलिंग थ्योरी, जहाँ पे आप पूरा लेजर नहीं चेक करते, कुछ आइटम्स ऑफ द लेजर चेक करते हैं, उस पर अपने ओपिनियन बनाते हैं, उसी ओपिनियन को पूरे लेजर या पूरे पॉपुलेशन का ओपिनियन मानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर कारो? इन्वेंट्री होती है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होती है, रीपेमेंट ऑफ लोन ये भी होता है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कोई कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं है एज पर कारो।
Member of Institute of Company Secretary of India are eligible to conduct secretarial audit if he or she is having a valid dash. एक CS कब secretarial audit बन सकते हैं? जब वो practicing हो, यानी CS in practice हो. तो उसको क्या चाहिए apart from the degree? Certificate of practice. तो correct option is option C. कूलिंग पीरियड ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर इज, ये रेपिटेटिव क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं. कूलिंग पीरियड कितने का होता है? जब तक नेक्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट चल रहा होता है, नेक्स्ट ऑडिटर का टर्म चल रहा होता है. नेक्स्ट ऑडिटर एक कंपनी में कितने दिन के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है. तो कूलिंग पीरियड कब तक का होगा? 5 साल का. तो कूलिंग पीरियड ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर इज 1 term of 5 years. प्रिवेंटिव कंट्रोल इज अ टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, वेरिफिकेशन या नन ऑफ द अबव. तो प्रिवेंटिव कंट्रोल इज अ टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव. गलती होने से पहले जो बता दे वो है प्रिवेंटिव, गलती होने के बाद जो बता दे वो है डिटेक्टिव. इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स? कंट्रोल एनवायरमेंट, असेसमेंट ऑफ रिस्क, कंट्रोल एक्टिविटीज या ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सब कुछ आता है इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में. Which of the following is or are methods to obtain audit evidence? Observation, computation, analytical review या all of the above. ये तीनों methods होते हैं audit evidence ढूंढने के लिए. So all of the above will be the answer. Which of the following is or are steps of internal in, sorry, which of the following is or are steps of environmental audit? Selection and scheduling of facility to audit, assessment of internal control, production of draft report या all of the above. यहाँ पे भी आंसर होगा all of the above. ये तीनों steps होते हैं environmental audit. Which of the following contains transaction audit? तो transaction audit basically होता है expenditure and receipt का audit करना. So option A will be the correct answer. Expenditure और receipt का जब आप audit करते हो तो उसको कहते हैं transaction. अब आते हैं 101. तो हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे. एंड अब है हम 101 क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑडिट? इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ वेरिफाइबल इंफॉर्मेशन सच एज वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन. ये तो होता है फीचर ऑफ ऑडिट. इट इज analytical, critical and investigative review of systems of accounting and internal controls. ये भी होता है. The information audited are non-financial in nature. नहीं, the information audited are financial and non-financial in nature. तो ये तो feature नहीं है audit की. Last option देख लेते हैं. There should be standards or criteria for evaluation of information in systematic and scientific manner. तो ये भी होता है एसेंशियल फीचर. ऑप्शन सी एक एसेंशियल फीचर नहीं है क्योंकि नॉन फाइनेंशियल चीजें ऑडिट नहीं होती. फाइनेंशियल चीजों को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उनके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल चीजें भी ऑडिट की जाती है. द वर्ड ऑडिटिंग हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडियर विच मीन्स टू हियर. सुनने की शक्ति बढ़ाइए अगर आपको ऑडिटर बनना है. Management is interested in the financial statements for day-to-day decision making, collection of taxes, research purpose या none of the above. वो कि researcher तो है नहीं जो उनको कुछ research purpose के लिए audit करवाना है. Tax collect करना उनका काम नहीं है, government का काम है. तो उनको day-to-day decision making में काम आता है financial statement. Government is interested in the financial statements for day-to-day decision making, collection of taxes, research purpose या none of the above. तो government किसके लिए interested होता है? Tax collection के लिए interested होता है financial statement में. Verification of value of assets, liabilities and balance of reserve, provision and amount of profit earned or loss suffered by an entity is known as continuous audit, balance sheet audit, interim audit या partial audit. तो यहाँ पे किन चीजों का बात हो रहा है? Asset, liability, balances. तो ये सब कहाँ आते हैं? Balance sheet में. तो correct answer will be balance sheet audit. Audit in depth is synonymous for examination in depth,
कंप्लीटेड ऑडिट, फाइनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट. अगर यहाँ पे डिटेल्ड ऑडिट का ऑप्शन होता तो करेक्ट आंसर वुड हैव बीन डिटेल्ड ऑडिट, बट यहाँ पे क्योंकि डिटेल्ड ऑडिट का ऑप्शन नहीं है तो करेक्ट आंसर इज एग्जामिनेशन इन डेप्थ. ऑडिट इन डेप्थ या डिटेल्ड ऑडिट में आप कुछ ट्रांजेक्शन लेते हो, उसको पूरा बैक ट्रेस करते हो एंड चेक करते हो क्या वो ट्रांजेक्शन सही है या नहीं, इसीलिए ऑडिट इन डेप्थ को कहा जाता है डिटेल्ड ऑडिट या एग्जामिनेशन इन डेप्थ. टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द पावर ऑफ एन ऑल्टर, एक्सपेंसेस ऑफ एन ऑल्टर, वर्क ऑफ एन ऑल्टर, लाइबिलिटी ऑफ एन ऑल्टर. तो पावर तो ऑल्टर का कहीं कम नहीं होता टेस्ट चेकिंग या ऑडिट सैम्पलिंग से, एक्सपेंसेस भी कम नहीं होते, लाइबिलिटी भी कम नहीं होती, लाइबिलिटी उतनी की उतनी ही रहती है, बस वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है. अ फ्लो चार्ट मेड बाय द ऑडिटर ऑफ एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दैट डिपिक्स द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क, या बोथ वन एंड थ्री. बहुत बच्चों का मन करेगा कि बोथ वन एंड थ्री टिक कर दे कि कंट्रोल रिस्क भी असेस हो गया है एंड अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, बट बोथ वन एंड थ्री नहीं होता इंटरनल कंट्रोल के फ्लो चार्ट से. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम मिलती है ऑडिटर को फ्लो चार्ट एनालिसिस से. दो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन डी आंसर नहीं होता. इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, अगेन रेपिटेटिव क्वेश्चन, कौन अपॉइंट करता है इंटरनल ऑडिटर को, बीओडी या मैनेजमेंट. द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर क्लर्क, इट इज नोन एज, जब एक का काम दूसरा ऑटोमेटिकली चेक करे तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल चेक. एन इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, बोथ वन एंड टू या नन ऑफ द अबव. तो देखो इंटरनल चेक इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड जब इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक चेक होते हैं तो उनको कहा जाता है इंटरनल ऑडिट. तो इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक दोनों आते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, फैसिलिटेटिंग फाइनल ऑडिट, अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, इंश्योरिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग. मैंने मैराथन में भी बोला है, क्लास में बोला है, दोबारा दोबारा कि इंटरनल ऑडिटर का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव होता है फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करना. अगर फ्रॉड एंड एरर प्रिवेंट और डिटेक्ट हो गए तो सब चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स. इंटरनल चेक इज मेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, हेल्पिंग ऑडिटिंग इन डेप्थ, या डिटेक्शन ऑफ एरर्स. तो इंटरनल चेक का सबसे बड़ा काम होता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, उसको फ्रॉड होने से बचाना है, फ्रॉड बाद में डिटेक्ट नहीं करना है. मैं हमेशा बोलती हूँ हर एंटिटी चाहेगी कि वो प्रिवेंटिव कंट्रोल ज्यादा रखे, डिटेक्टिव नहीं. क्योंकि देखो गलती हो गई पता चल गया ठीक है, गलती बात नहीं है, सही है कि गलती हो गई पता चल गई, नेक्स्ट टाइम प्रिवेंट हो जाएगा. बट व्हाट इफ कि वो गलती होती ही नहीं, तब वो नुकसान होता ही नहीं, तब डिटेक्टिव कंट्रोल लगाने नहीं पड़ते. तो एवरी एंटिटी ट्राइज की प्रिवेंटिव कंट्रोल ज्यादा लगाए कि नुकसान हो ही ना, क्योंकि यार डिटेक्टिव कंट्रोल में अल्टीमेटली गलती के बारे में पता चलता है पर नुकसान तो हो गया ना, नेक्स्ट गलती से आप बच गए पर इस बार तो नुकसान हो गया ना. तो एवरी एंटिटी ट्राइज टू प्रेशराइज मोर एंड मोर ऑन प्रिवेंटिव कंट्रोल, एंड इंटरनल चेक का भी यही काम होता है कि फ्रॉड एंड एरर प्रिवेंट करता है. कट ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सेल्स टू एड्रेस द फॉलोइंग असर्शन. येट अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने एग्जाम में आएगा, बट आएगा नहीं क्योंकि इसका आंसर बहुत ईजी है. कट ऑफ टेस्टिंग क्या असर्शन के लिए किया जाता है, कट ऑफ असर्शन के लिए किया जाता है. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया जाता है, तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. ये एक दो क्वेश्चंस बीच बीच में बस इंस्टीट्यूट ने डाल दिए ताकि आपके मन को तसल्ली मिले कि हाँ एमसीक्यू इजी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट इज अ टूल विच डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कैन यूज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइज. करेक्ट, इससे ऑडिट का एडवांटेज है. ऑडिट इज नॉट ओनली अ करेक्टिव मेजर बट हैज अ डेटरेंट इफेक्ट, इट सर्व्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज फ्रॉम कमिटिंग डिफैल्केशंस और एम्बेजलमेंट्स. हाँ ऑडिटर और ऑडिट एम्प्लॉयज को डरा के रखता है, वो फ्रॉड या एरर करने से पहले 10 बार सोचते हैं. द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन अलर्ट एंड विजिलेंट एज रिगार्ड्स अपडेटिंग ऑफ बुक्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, क्योंकि उनको पता है ऑर्डर आएगा देखिएगा बुक्स एंड अकाउंट्स अपडेटेड नहीं है तो उनको डंडा मार के जाएगा. तो ये भी एडवांटेज है. सो ऑल ऑफ द अबव आर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट.
Dash involves examination of legalities by blending the techniques of propriety audit, regularity, investigative and financial audits. तो जब इन्वेस्टिगेशन की बात आ जाए तो वो सिर्फ एक ही ऑडिट में होता है, दैट इज फोरेंसिक ऑडिट. सो फोरेंसिक ऑडिट इज द करेक्ट आंसर. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज रिलेटेड टू, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितने एमसीक्यूज किए उसमें से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है घुमा फिरा के, कहीं ना कहीं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे का नंबर आ चुका है. अब तक आपके एकदम लिप्स पे होना चाहिए कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऐसे 230, रट लो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऐसे 230. आप देख चुके हो कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं. मैं बता रही हूँ कम से कम ये 5th क्वेश्चन होगा जो हम एमसीक्यूज में सॉल्व कर रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऐसे नंबर से रिलेटेड. सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या होता है, ऐसे 230. डैश इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड. तो कहाँ बताया जाता है क्या कैसे कब होगा, ऑडिट प्रोग्राम में बताया जाता है क्या कैसे कब होगा. सो ऑडिट प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर. डैश रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन और इवन ड्यू टू ऑर्गेनाइज फ्रॉड. मतलब क्या या कौन सा रिस्क ऐसा रिस्क है जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के वजह से अराइज होता है. सो इनहेरेंट रिस्क इज द रिस्क विच सम आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैरी ड्यू टू देयर नेचर और ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड. सो इनहेरेंट रिस्क इज द करेक्ट आंसर. बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग आर, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ ऑडिटर, टाइम एंड कॉस्ट सेव करता है, स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड्स के बेसिस पे रिजल्ट्स देता है. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों एडवांटेज है ऑडिट सैम्पलिंग की. द मेन रोल ऑफ डैश इज द फॉलोइंग, रिकमेंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पावर टू इन्वेस्टिगेट. तो ये तीनों किसके फंक्शन होते हैं, एक ही बॉडी के फंक्शन होते हैं, नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. सो ये किसका रोल है, नाफरा का रोल है. नाफरा कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नाफरा किन तीन कमिटी से बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इन्फोर्समेंट कमिटी से. सो नाफरा कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, इन्फोर्समेंट कमिटी या ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों को आप प्लस करते हो तब बनता है नाफरा. द टर्म डैश मीन्स द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाई द कंपनी फॉर इंश्योरिंग ऑर्डरली एंड एफिशियंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इंक्लूडिंग अदेयरेंस टू कंपनीज पॉलिसीज, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. अगर आपने ये डेफिनेशन देखा तो आप समझ गए, ये डेफिनेशन बात कर रहा है इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, ऑर्डरली एंड एफिशियंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विथ स्टैम्प, एस से सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, टी से टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ए से एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एम से अधेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी एंड पी से प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स. तो ये डेफिनेशन है इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ ड्यूटीज ऑफ नाफरा, इन चारों में से क्या ड्यूटी नहीं होती है नाफरा की. रिकमेंडिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स टू बी अडॉप्टेड बाई द कंपनीज फॉर अप्रूवल बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो ड्यूटी होती है. मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्सिंग कंप्लायंस विद इनकम टैक्स एक्ट एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से तो नाफरा कंप्लाई करवाता है, इनकम टैक्स एक्ट से नाफरा का कोई लेना देना नहीं है. तो ये नहीं है नाफरा की ड्यूटी. परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज मे बी नेसेसरी और इंसिडेंटल टू अफोर्सेड फंक्शंस एंड रूल, हाँ ये भी नाफरा की ड्यूटी है. Oversee quality of service of professions associated with ensuring compliance with standards and suggest measures for improvement in quality of service. ये भी नाफरा की ड्यूटी है. ऑप्शन बी नाफरा की ड्यूटी नहीं होती, इनकम टैक्स एक्ट से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है. An auditor expresses dash opinion on financial statements when the auditor, having obtained sufficient appropriate audit evidence, concludes that misstatements either individually or in aggregate are both material and pervasive to financial statement. तो जब गलती material भी होती है, pervasive भी होती है, तब auditor कौन सा opinion देता है? Adverse opinion देता. Some situations when an auditor shall express a qualified opinion is or are non-adherence to AS2 with regard to inventory valuation at lower or cost or realizable value. हाँ,
ये इस केस में ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि बाकी आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही है, बट मटेरियल आइटम जो कि इन्वेंट्री है वो गलत है. तो यहाँ पे जो इसका इफेक्ट है वो मटेरियल तो है बट परवेजिव नहीं है, तो यहाँ पे वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं. ऑडिटर बींग प्रिवेंटेड बाय द मैनेजमेंट फ्रॉम ऑब्जर्विंग द काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री वेयर सच एक्शन इज मटीरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो यहाँ पे भी आइटम मटीरियल तो है पर परवेजिव नहीं है, इसकी वजह से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा. तो यहाँ पे भी ऑर्डर दे सकता है क्वालिफाइड ओपिनियन. नॉन रिसीट ऑफ ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ब्रांचेस. तो भैया ये तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, यहाँ पे तो आपको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी वाले सिचुएशंस में ऑर्डर दे सकता है क्वालिफाइड ओपिनियन, क्योंकि इन दोनों केसेस में ऑर्डर को सिर्फ इन्वेंट्री रिलेटेड एविडेंस नहीं मिला, या इन्वेंट्री का आइटम सिर्फ सही नहीं है जिसके इफेक्ट मटेरियल तो है बट परवेजिव नहीं है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इन सिचुएशन ए एंड बी ऑर्डर कैन गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन. इसको हमने क्लास में किया था एक पूरे चार्ट के साथ, एंड जिन्होंने क्लास अटेंड की उनको पता है हमने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देखे थे कि किस सिचुएशन में ऑडिटर कौन सा ओपिनियन दे सकता है. एंड ऑडिट रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज ऑल्सो नोन एज डैश और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट. क्लीन, क्लियर, नीट, ऑनेस्ट. तो नीट, ऑनेस्ट और क्लियर रिपोर्ट कुछ होता ही नहीं है, क्लीन रिपोर्ट इज द करेक्ट आंसर. वही एक एडिक्वेट टर्म है, बाकी ये सारे एवं ही बना दिए गए हैं. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर की ऑडिट मैटर्स, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, ऑल ऑफ द अबव. तो ये तीनों चीजें जाती है हमारे ऑडिट रिपोर्ट में. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. एज पर रूल 11 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो इंक्लूड हिज व्यूज एंड कमेंट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज द इम्पैक्ट इफ एनी ऑन पेंडिंग लिटिगेशन ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजिशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाँ, इसके बारे में डिस्क्लोज करना होता है. वेदर द कंपनी हैज मेड अ प्रोविजन फॉर मटीरियल फॉरसीएबल लॉसेज, इसके बारे में भी कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है. फिर वेदर देर हैज बीन एनी डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू IEPF, इसके बारे में भी ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ सॉरी इसके बारे में भी कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ता है, एंड ऑडिटर को बताना पड़ता है कि कंपनी ने यह डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है. सो ऑल ऑफ द अबव नीड टू बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी, एंड इन तीनों पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये तीनों चीजें कंपनी ने डिस्क्लोज की है या नहीं की है. एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑडिट रिपोर्ट आर सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, ब्रेविटी, फर्मनेस, ऑब्जेक्टिविटी, डिस्क्लोजर, इम्पार्शियलिटी, इन्फॉर्मेशन बेस्ड एंड टाइमलीनेस. तो देखो ऊपर का जो ये पांच छह एडजेक्टिव्स है ना, ये तो सब में है कॉमन. अब आपको देखना है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है. अगर आए ऑप्शन सी पे तो एम्बिग्विटी मतलब कि अंडरस्टैंडेबल नहीं है, एम्बिग्विटी मतलब अंडरस्टैंडेबल नहीं है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, तब हम कहते हैं ये मैटर एम्बिग्वस है. तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट. सो ये तो ऑप्शन हो गया रिजेक्ट. पॉपुलैरिटी, ऑडिट रिपोर्ट कोई एक्टर नहीं है जो उसे पॉपुलर होने की जरूरत है, तो ये भी गलत है. टाइमलीनेस, हाँ टाइम पे आपको ऑडिट रिपोर्ट दे देना चाहिए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये होना चाहिए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिटर शैल वेरीफाई वेदर द अनपेड डिविडेंड हैज बीन ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन डैश डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ डैश डेज अलाउड फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अभी डिविडेंड एक कंपनी को कितने दिन में पे कर देना चाहिए, 30 दिन में पे कर देना चाहिए. एंड अगर 30 दिन के बाद भी कोई शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे हो पाया, किसी ने क्लेम नहीं किया, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पेमेंट कब तक ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, या डिविडेंड कब तक ट्रांसफर कर देना चाहिए, विद इन 7 डेज. सो द ऑप्शन बी 7 एंड 30 विल बी द करेक्ट आंसर. इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इट कैन बी रिडीम्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज. बाय द वे ऑफ पेमेंट एज अ डोनेशन, बिल्कुल भी नहीं, डोनेशन थोड़ी देना है रिडेम्पशन के लिए. बाय पेमेंट वेन एवर द कंपनी डिजायर्स टू डू सो, हाँ ये हो सकता है. बाय द वे ऑफ पर्सनल ड्रॉइंग, ये हो सकता है. बाय पेमेंट एज शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन, ये भी हो सकता है, पर डोनेशन इज नॉट द करेक्ट वे. डोनेशन के द्वारा नहीं पेमेंट किया जा सकता है.
The audit procedure to be applied in context of splitting of shares are share splitting मतलब कि जो आपका शेयर्स का प्राइस है आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट रहे हो। ये इसीलिए किया जाता है ताकि जब शेयर्स का प्राइस एक पॉइंट रीच कर जाता है जहां पे उस पर इतना बायर अट्रैक्शन नहीं होता उसको रिड्यूस किया जाता है ताकि वहां पे बायर अट्रैक्शन हो। सो स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स अगर हो रही है तो एक ऑडिटर को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? तो ऑडिटर को देखना चाहिए कि ऑल्टरेशन वॉज ऑथराइज बाई आर्टिकल्स, करेक्ट। ऑडिटर को बोर्ड मीटिंग एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के मिनट्स लेने चाहिए, करेक्ट। ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए कि जो भी ऑल्टरेशन है वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में हो गया है, करेक्ट। तो ऑडिटर को एक नहीं दो नहीं तीन सारी चीजें देखनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज आर टू बी अप्लाइड बाय द ऑडिटर इन कंटेक्स्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स। ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स, डिटेल्स ऑफ फ्रॉड, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन ऑफ सजेशन। सो ऑडिट रिपोर्ट क्या कंटेन करता है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है। ऑडिट सर्टिफिकेट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स, डिटेल्स ऑफ फ्रॉड्स, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन या एक्सप्रेशन ऑफ सजेशन। तो ऑडिट सर्टिफिकेट कंटेन करता है डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स, वहां पे कोई ओपिनियन या सजेशन नहीं दिया जाता है। एंड ऑडिटर एक्सप्रेसेस डैश ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड दैट मिस स्टेटमेंट्स ईदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर बोथ मटीरियल एंड परवेसिव। रेपिटेटिव क्वेश्चन है, अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियल और परवेसिव होता है तो ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देता है? एडवर्स ओपिनियन। एनी कैजुअल वैकेंसी इन गवर्नमेंट कंपनी इज फिल्ड बाय द सीएनएजी ऑफ इंडिया विद इन कितना डेज? मैंने बोला था कैजुअल वैकेंसी, तो आपको और कोई नंबर ऑफ डेज याद नहीं रखे। कैजुअल वैकेंसी में गवर्नमेंट कंपनी हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, कैजुअल वैकेंसी फिल होगी विद इन 30 डेज। अ कॉस्ट ऑडिटर सबमिट्स हिज रिपोर्ट अलॉन्ग विथ रिजर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म नंबर CRA 3। तो कॉस्ट ऑडिटर जब BOD को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है दैट इज थ्रू CRA 3। एन ऑडिटर शैल सबमिट एन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू, करेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्शियली करेक्ट, नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकम्प्लीट, नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनअवेलेबल, नहीं। ये तीनों सिचुएशंस में ऑडिटर अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देगा। जब ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं तब ऑडिटर देगा अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड ओपिनियन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर कारो? इन्वेंट्री होती है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन होता है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑडिट रिपोर्ट? सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिव या ऑल ऑफ द अबव? आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन डैश शैल नॉट एक्ट एज अ कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कभी भी कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन से सेक्शन में अपॉइंट होता है? सेक्शन 139 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होता है। सो ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 शैल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एज पर सेक्शन 139 अ रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, करेक्ट। ही हैज नॉट गिवन द कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज अनविलिंगनेस, करेक्ट। अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास एट द मीटिंग अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड, करेक्ट। रीअपॉइंटमेंट की तीन ही कंडीशंस होते हैं कि ऑल्टर डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, ऑल्टर राजी होना चाहिए एंड शेयर होल्डर्स राजी होने चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट जब सेटिस्फाई होंगे तो ऑल्टर हो सकता है रीअपॉइंट। सो ऑल ऑफ द अबव आर टू बी कंसिडर्ड। द फर्स्ट ऑल्टर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी यानी नॉन गवर्नमेंट कंपनी में शैल बी अपॉइंटेड बाय डैश विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहला चांस किसको मिलता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करने का? BOD को। सो BOD विल बी द करेक्ट आंसर। द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट एंड शैल ऑल्सो फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग इन विच ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन फॉर्म ADT 1। ADT 1 में कंपनी इन्फॉर्म करती है ROC को अबाउट ऑडिटर अपॉइंटमेंट।
no individual shall be appointed or reappointed as an auditor for more than one term of डैश कंसिक्यूटिव ईयर्स. कब तक वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता? जब तक दूसरा अपॉइंट हुआ है, दूसरा का टर्म चल रहा है. दूसरा का एक टर्म कितने साल का होता है? 5 साल का. तो ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेशन टू रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल्टर्स. तो रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल्टर्स कहाँ डिस्कस किया गया है? सेक्शन 142 में डिस्कस किया गया है. Dash refers to the process of conducting the audit of single organization by more than one auditor. तो जब एक से ज्यादा ऑडिटर एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है joint audit. The amendments that gave the local self-governments in India the constitutional protection are 73 and 74 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आया था लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत आर टू इंश्योर फेयरनेस एंड करेक्टनेस ऑफ कंटेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बिल्कुल. टू इंश्योर एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये भी है. टू इंश्योर वैल्यू फॉर मनी, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ऑल ऑफ द अबव आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स. Which of the following records are not maintained by cooperative society as accounting records? Cash book maintain किया जाता है, assets and investment का register maintain किया जाता है, surety का register maintain किया जाता है, memorandum of association नहीं maintain करता है cooperative society as accounting records. बाकी तीनों maintain करता है as its accounting records. Which of the following is not falling under the broad category of बैंक्स? कमर्शियल बैंक फॉल करता है, रीजनल रूरल बैंक फॉल करता है, कोऑपरेटिव बैंक भी फॉल करता है. नन ऑफ द अबव इज आंसर. ये तीनों फॉल करता है अंडर ब्रॉड कैटेगरी ऑफ बैंक्स. द ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक इज प्राइमरली रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन इट्स रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. Whether the financial statements present a true and fair view and whether all the necessary explanation has been given to him. Correct. Whether or not monetary supports received from offices and branches to the bank have been found adequate for the purpose of audit. नहीं, monetary support के बारे में उसे कुछ नहीं बताना पड़ता है. Whether or not the transaction of bank which has come to his notice are within the powers of bank. हाँ, ये उसे बताना पड़ता है. तो option A and option C उसे बताना पड़ता है central government को. तो option D जिसमें है both 1 and 3 will be the correct answer. ठीक है. In relation to advances made by the bank, an auditor needs to review the following. So, scrutinize the subsidiary ledger and control account. Correct. Scrutinize the overdue and scheme for recovery. बिल्कुल जरूरी है. अगर कोई अकाउंट ओवरड्यू हो गया, कोई अकाउंट से पैसे नहीं मिल रहे तो बैंक का क्या मेजर्स है. Ensure proper documentation. बिल्कुल. So, all of the above need to be scrutinized by an auditor. Hospitality sector covers a wide range of organization which can broadly be divided into dash categories. कितने categories में hospitality sector divide होता है? 4 categories में होता है. सबसे पहला आता है आपका restaurants, next आता है आपका travel and tourism, फिर आता है आपका hotels and last आता है cinema hall या amusement park. Steps common for category of restaurant in relation to hospitality sector are vouch revenue out of commission from various companies and tour partners, verify the total revenue recognized based on daily and monthly sales report. तो ये करेक्ट है. ये तो ट्रैवल एंड टूरिज्म के रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर है. चेक दैट रेवेन्यू हैज बीन रियलाइज इन कैश बेस्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट्स. चेक वेदर अरियर्स रिटर्न ऑफ हैज बीन ड्यूली अप्रूव्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ये भी करेक्ट है. तो ये दोनों चीज़ें एक ऑर्डर को देखना पड़ता है जब वो रेस्टोरेंट के ऑर्डर पे जा रहा है. ये जो फर्स्ट प्रोसीजर है ये ऑर्डर देखिए जब वो ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऑर्डर पे जा रहा है. सो डी दैट इज बोथ 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर. रिगार्डिंग विच कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर द फॉलोइंग steps are taken for auditing purpose. Vouch the collection from borders based on check-in check-out register. Check-in check-out देख के आपको आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये सिर्फ होटेल्स
में हो सकता है और कहीं पे चेक इन चेकआउट वाला वर्ड नहीं आता है। रेस्टोरेंट में कभी आप चेक इन या चेकआउट नहीं करते, मूवी हॉल में कभी आप चेक इन या चेकआउट नहीं करते, ट्रैवलिंग में आप कभी चेक इन या चेकआउट नहीं करते, सिर्फ होटेल्स में आप चेक इन चेकआउट करते। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। स्टेप्स ऑफ ऑडिट कॉमन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर अंडरस्टैंड द ओनरशिप स्ट्रक्चर, बिल्कुल, एवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये भी होता है, चेक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ वैलिड लाइसेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेप्स आर कॉमन फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस अंडर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो यहाँ खत्म होता है हमारा एमसीक्यू। टुक अस अराउंड 2 आवर्स समथिंग, मुझे लगता है 2 घंटे लग गए होंगे हमें सारे एमसीक्यू सॉल्व करने में, बट 2 घंटे में हमने सॉल्व कर लिए अप्रॉक्सीमेटली 160 एमसीक्यूज। एंड मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद आपको कहीं पे भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं ऑडिट के एमसीक्यूज के लिए। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से सुन लिया, ये वीडियो अपने जितने एमसीक्यूज कराए ध्यान से देख लिए, उसके बाद आई कैन गारंटी कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आराम से सॉल्व कर पाओगे रिलेटेड टू एमसीक्यू ऑफ ऑडिट। सो टेंशन नहीं लेना है, वीडियो अच्छे से देखना है, पढ़ाई और अच्छे से करनी है, एंड कीप फॉलोइंग द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।